प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते जो देश में स्थितियां बनी हैं उससे हिमाचल और जिला कांगड़ा भी अछूता नहीं है। अब बाजार खुलना शुरू हो गए हैं, विभिन्न विभागों में काम शुरू हो गए हैं। ऐसे में हर जिला में विकास कार्य की समीक्षा की जाए, इसी कड़ी में जिला कांगड़ा में रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया। परमार DRDA धर्मशाला में कोरोना संकट के बीच शुरू हुए विकास कार्य की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में बोल रहे थे। परमार ने कहा कि बैठक में लोक निर्माण विभाग, फॉरेस्ट टूरिज्म, टांडा मेडिकल कॉलेज और नेशनल हाईवे का रिव्यू हुआ है। बैठक में PMGSY नवार्ड के तहत बनने वाली सड़कों सहित AMP के तहत सड़कों की मेटलिंग होनी है, उस पर चर्चा की गई। परमार ने कहा कि हो सकता है कि कोरोना वायरस आगे चलकर कम्युनिटी में आए, हालांकि अभी पहुंचा नहीं है। उस परिस्थिति से निपटने के लिए भी जिला कांगड़ा और प्रदेश में और कोविड सेंटर खोले जाएं, इस दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। परमार ने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज में 27 वेंटिलेटर अपडेटेड हैं और 4 और वेंटिलेटर का टेंडर कर दिया गया है। जोनल अस्पताल धर्मशाला में भी 5 वेंटिलेटर रखे गए हैं। परमार ने कहा कि IGMC और टांडा मेडिकल कॉलेज प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। टांडा मेडिकल कॉलेज में एक आइसोलेशन वार्ड भी रखा गया है ताकि एकदम से दबाव आने पर मरीजों को वहां रखने की व्यवस्था की गई है। वेंटिलेटर्स को अपडेट कर दिया गया है। मास्क, फेस शील्ड, PPE किट्स पर्याप्त मात्रा में है। परमार ने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसे वक्तव्य जो कि ज्वालामुखी के विधायक ने कहे, किस स्थान पर बोलना ये उचित नहीं है। किसी कोई गिला शिकवा है तो हर जगह उस बात को रखने का स्थान है। कांगड़ा में आयोजित बैठक के बारे में परमार ने कहा कि कहीं कार्यकर्ता नेता बैठते हैं तो अच्छी बात है। कोरोना के कारण हालात परिस्थितियां पूरे देश में बनी है, उसमें हिमाचल प्रदेश भी और हमारा जिला कांगड़ा भी इससे प्रभावित हुआ है। बीच में लॉकडाउन हुआ, जनता कर्फ्यू लगाया गया और उसके कारण सारी की सारी गतिविधियां स्थिर हो गई, रुक सी गई, ठहर सी गई। देश के लोगों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान को, माननीय मुख्यमंत्री जी के का जो आह्वान था उसको अक्षरशः अपनाया, क्योंकि एक ही संदेश था, जान जान है तो जहान है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब ये फैसला किया है कि लॉकडाउन खुला है और आर्थिक गतिविधियां, बाजार खुलना शुरू हो गए हैं, लोक निर्माण, IPH व अन्य विभागों में भी काम शुरू हो गए हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश के हर जिला में जाकर के इसकी समीक्षा की जाए, रिव्यू किया जाए और आज सबसे पहले जिला कांगड़ा में रिव्यू मीटिंग रखी गई है और इसकी जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है, इसलिए आज मैं धर्मशाला आया हूँ। वैसे तो आज अभी तक लोक निर्माण विभाग का, फॉरेस्ट विभाग का, टूरिज्म विभाग का, टांडा मेडिकल कॉलेज का इत्यादि इत्यादि विभागों का, नेशनल हाईवे का रिव्यू हुआ है और रिव्यू में ये बात आई है कि चाहे वो PMGSY के तहत सड़कें बननी हैं, चाहे नवाड़ के तहत सड़कें बननी हैं, चाहे AMP एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम में सड़कों का मेटलिंग होनी है, एनुअल सर्विसिंग होनी है, इत्यादि इत्यादि अलग अलग पहलुओं पर बातचीत हुई है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि रिव्यू मीटिंग जब शुरू हुई तो सबसे पहले कोविड के ऊपर लगभग 1 घंटा चर्चा हुई है कि आज देश के परिदृश्य में हिमाचल प्रदेश कोरोना के इस अवस्था में कहां पर खड़ा हुआ है और जब से ये कोरोना हिमाचल प्रदेश में आया है उससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितनी व्यवस्थाएं खड़ी की हैं, आज के परिदृश्य में हम कहां पर हैं, इत्यादि इत्यादि। मुझे इतना ही कहना है कि इस कोरोना के कारण आम व्यक्ति प्रभावित हुआ है, परंतु कोरोना के बढ़ते हुए कदमों को हमारे प्रशासन ने, डॉक्टर्स ने, सफाई कर्मचारियों ने, हेल्थ वर्कर्स ने, स्टाफ नर्सेज ने, पुलिस कर्मियों ने अपनी मेहनत और अपने धैर्य हिम्मत के साथ रोका है। हमारे माननीय विधायक ज्वालामुखी
ने कुछ बातों को उजागर किया था, मैं उसको उचित नहीं मानता। उन्होंने श्री पवन राणा जी के बारे में कहा था, पवन राणा जी प्रचारक हैं, कई वर्षों से पार्टी के काम में दिन रात अपना जीवन खपा रहे हैं, जीवन लगा रहे हैं, तो ऐसे वक्तव्यों को कहीं किसी स्थान पर बोलना ये उचित नहीं है, मैं इसको उचित नहीं मानता। हाँ, किसी को कोई शिकवा है, गिला है, तो हर जगह उस बात को रखने का एक स्थान है, मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा यही आग्रह है। नहीं, उबाल राजनीति में चलते रहते हैं, कार्यकर्ता बैठते हैं, नेता बैठते हैं, उसमें कोई बात नहीं, वो बैठे होंगे तो अच्छी बात है।